लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा, चलने फिरने का घूमने का उनको मौका मिलेगा दादा। वो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उनसे कोई ना कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है, वो कुरेदता है कोई ना कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, और अगर फॉरवर्ड लुकिंग हो, महिलाएं हों, समाजवादी पार्टी ने सोचे किस जमाने में लैपटॉप दिया था, किस जमाने में 1090 लड़कियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया था, तो समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। आज एक बार फिर सपा का चेहरा हम सबके सामने आ गया है, खासकर हम बेटियों के सामने आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने ये सोचा कि हम ये निर्णय लें कि बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए, तो सपा के MP का ये कहना है कि अगर शादी की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो लड़कियों में बेटियों में आवारगी बढ़ेगी। ये सपा की मानसिकता है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और ये पहली बार नहीं है जब सपा ने इस तरह की मानसिकता दिखाई है जनता के सामने। मुलायम सिंह यादव ने 2014 में कहा था कि जब रेप हो जाता है तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, बदायूं जब रेप कांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया भर में रेप होता रहता है। ये मानसिकता है इनकी, आज पूरा देश देख रहा है कि सपा के लोग हमारे आधी आबादी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या सोच रखते हैं। मैं एक बेटी होने के नाते और एक बेटी की माँ होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो शादी की उम्र बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम होगा। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।